ओए मादा दूध पीते ही थी आया तू 2 साल मादा दूध नहीं पीता। क्या क्या बड़ा पॉइंट पड़े है, डेयरी दूध। डेयरी एग्जाम्पल आ गई, डेयरी तीन सेक्शन है ने खाने दे, डेयरी अनाज ते मीट। मेरी गल सुन, ओए बिलाल भाई ने वे प्रोटीन ओन वाले दी खाई है, मैं भी खा लवा, हो सकता वो तेन तेन सूट करेगी। पॉइंट पॉइंट हो गया, पॉइंट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। जदों भी तू प्रोटीन खानी है, वही गोल्ड स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड ओन ओ भाई, ईज दी खा ला, अल्टीमेट दी खा ला, ठीक है कि नहीं, मसल टेक दी खा ला, चेंजिंग। चेंज करो, बिल्कुल। अच्छा हूं किसी आज बंदे को प्रोटीन दे पैसे नहीं, यो की करे, वो एक बंदा दफा करे प्रोटीन दे पैसे है ही नहीं, ओ नहीं करता, बामुश्किल। मैं प्रोटीना दे उते सप्लीमेंट दे उते बिलीव ही नहीं करता। मैं तेनू पहले भी तेनू वीडियो दे उते सारा दस दस बैठा हुआ, दो तीन वीडियो एक दे दफा उते। फिर रिपीट कर दियो, कोई नहीं साढ़े कहते कर दियो, एक बंदे को पैसे ही नहीं, वो मुश्किल नाल 500 रुपया या 300 रुपया जिम दी फीस जमा करता है, जिम जाता है, ठीक है। मेरी गल, तीन हिस्से ने, तीन सेक्शन है ने खाने दे, डेरी अनाज ते मीट। ठीक डेरी अनाज मीट, बच्चे नहीं गए, सारे ही पता है कि डेरी दे विच की आंदा, दूध दही मक्खन लेना देना सारा कुछ। अच्छा, तो इन्हों का अनाज फायदा की है, मैं इस तरह से करोड़ करोड़ के तहन पूछना, इको गल बार बार करना वा कि अगर किसी को नहीं पैसे है तो वो की करे। भाई मेरी गल सुनो, तू सारा कुछ खुराक दे विच ही सारा कुछ है यार, सप्ली खुराक दे विच ही प्रोटीन है, उदे च कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्ब भी उदे च, हर चीज ही उदे च। तू 2 साल मां का दुध नहीं पीता, तो पीता है, बिल्कुल पीता। मां दे दुध तो बगैर, क्या 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 बड़ा पॉइंट पड़े है कि वाह मां वाह दे वाह। दुध, मां दे दुध तो बगैर अच्छा उस तगड़े टाइम होंगे। जेहड़े बच्चे, असी भी बड़े हुए हैं, बच्चे पैदा होंदे भी ने कि बंदा 3 साल जेहड़ा दुध ही पींदा है, सुनो, ओए मां का दुध पीते ही थी आया, बिल्कुल। एक ही है, मां का दुध पीते ही थी आया, अपने पैरों की मिट्टी ना छड़ी, एक ही है डेयरी बंदे दुध, बंद। डेयरी एग्जाम्पल आ गई, डेयरी ठीक है। उस तो बाद तुसी अनाज वाले पासे आ जाओ, अनाज की आंदा, फल गंदम दालां चावल सारा कुछ आ जाएगा उदे च। मीट्स की आंदा, बीफ फिश चिकन जिस भी टाइप दी, होर भी मटन हर चीज आ जाता। इन्हां नू खाओ, तरतीब दे नाल खाओ, थोड़ा थोड़ा करके खाओ, की कहंदे ने भुख रख के खाओ, पानी इनटेक ज्यादा करो, समझ आई कि नहीं, पानी का इंटेक्स बहुत ज्यादा करो, जूसेस फ्रूट्स भी लवो, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डाइट, ठीक है, ठीक। माइक्रो नहीं माइक्रो हूं तुम न्यूट्रिएंट आप ही एक नवा स्टेप शुरू करता हूं, मैं माइक्रो गो है। न्यूट्रिएंट डाइट अच्छा सर्च करना है सारे ने, सारे बिल्कुल, जिन्हें भी सुनते पे, जिन्हें भी देखते पे, वो तो वड़े तो वड़े किसी भी उस्ताद को माइक्रो न्यूट्रिएंट का पता ही नहीं होगा, उन्हें ना ही उन्हें पहली बार सुनिया होगा। यह चेंजिंग है ने पाकिस्तान तो इतने आके सीखने दी, माइक्रो न्यूट्रिएंट डाइट जी मैं बकवास करना पाया वो ही है, लो कार्ब लो फैट लो सोडियम, ठीक है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट डाइट जी सारे मिनरल्स सारे वाइटामिन्स सारी गजाइत हर चीज आ जाएगी जो असं डाइट करने हैं, ठीक है। एडी भैड़ी डाइट कर देने कि जिन्हें भी साढ़े साड़ी बॉडी नू नीड होंगी है, वाइटामिन की चीज़ों की नीड होंगी है, वो समटाइम जरा असं मिस कर देने, असी लागर हो जाने जी सू जरूरत होंगी है, अच्छा इस समझ तो आई कि बाद नहीं। भी कोई बंदा कहे कि मैं दसो मैं केड़ा डब्बा खावा, उनके बारे में की कहते हो? ओ फिर ओही है जी आर्नर दे मैं मिसाल दी सी ना, वो कहना मैं 7 बारी यूनिवर्स भी हो गया, वो बंदे देखे ने उत्थे दे उत्थे ही लगे हैं, उन्हें उत्थे ही रहना मरदे दम तक, उन्होंने छेड़ो ही ना, उन्होंने कहो भाई माशाला वेरी नाइस वेरी गुड अच्छा उस कीप इट तो अप। कि यार हूं जिवें तुसी मोटा मोटा दसता है कि डेयरी भाई गंदम ते मीट। भाईओ नहीं चेंज होणगे, साढ़े जमाने भी साढ़े दोस्त है सी, साढ़े तो तगड़े तगड़े है सी, असं बाद चो लाइन च लगे तो सानू अज कहंदे ने उस्ताद जी ओ भाइन सानू कुछ दसो। अज नहीं अज ग्वाल मंडी च बैठ के कहंदे ने ओए साढ़े भरा का पता ही मरान दा, साढ़े भरा का पता ही बिलाल दा, आतफ का पता ही, या साहब का पता ही, इनका पता ही, ओदा तो साढ़े साढ़े तो 10 साल पहले ही शुरू की होगी उन्होंने गेम, ते तो उन्होंने सुनते जाओ, स्पेशली बिलाल भाई ने किड्डी वड्डी मिसाल दित्ती है कि ए नहीं बनना हैगा, तुसी जेड़ा ना अपना गोल अचीव करना है, इन्दे च मेन चीज जेड़ी आ जांदी है वो है तुहाडा डिसिप्लिन, तुहाडा रेगुलर जिम जाना, ठीक है। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहोगे तो तुसी जीरो। मेरी गल सुनो, नाले दूसरी गल भला की है, वो 10 सालों ने या 20 सालों ने अपनी जिम दी फीस जाया की थी, उन्हें अपनी जड़ी खुराक भी खादी और टट्टी पेशाब के जरिए जाया की थी, एक किस तरह यानी कि उन्हें जो भी कुछ किया जाया किया, 10-20 साल जिम च जाता रहा है तो खाता ही रहा है ना घर आके,
ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਲਵਾਨ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਟ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਾਈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਸ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੈਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਸਕੈਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦਾ 10-10-20 ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਸਕੈਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੂਡ ਦਾ ਸਕੈਜੂਅਲ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਕੈਜੂਅਲ, ਓਵਰਲੋਡ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀਵਰਸ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਲੇਬਿਲੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਤੱਕਰ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੈਲਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ।